गिवन क्वेश्चन इज इफ वाई इक्वल्स टू ई की पावर ए साइन इनवर्स एक्स देन शो दैट दिस इक्वल्स टू जीरो देखो गिवन वाई इक्वल्स टू ई की पावर ए साइन इनवर्स एक्स ओके अब इसको हम क्या कर देंगे एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स तो लिखो यहाँ पे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ओके देखो तो मैं क्या होगा यहाँ पर लेट दिस बी वाई वन तो यहाँ बताओ तुम्हें तो क्या हो जाएगा ए e की पावर ए साइन इनवर्स एक्स आएगा यहाँ पर ये ए यहाँ पर आएगा और ये साइन इनवर्स एक्स बताओ तुम्हें तो क्या हो जाएगा वन अपॉन दो टू वर वन माइनस एक्स स्क्वायर ठीक है अब देखो हम क्या करेंगे इस वैल्यू को अपन यहाँ पर ले आएंगे तो दिस विल बी यहाँ पे लिखो और यहाँ पे लिखो वन माइनस एक्स स्क्वायर ठीक है इनटू वाई वन इक्वल्स टू ई की पावर ए टाइम्स ई वाला ए को अपन यहाँ पे ले आए ई की पावर ए साइन इनवर्स एक्स ठीक है अब हम क्या करेंगे यहाँ पे रोड वाला लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे स्क्वायरिंग कर लेंगे तो यहाँ लिखो स्क्वायरिंग बहुत Sides. बताओ क्या रहेगा फिर ये बताओ क्या हो जाएगा आपका वन माइनस एक्स स्क्वायर दिस विल बी वाई वन स्क्वायर इक्वल्स टू बताओ इसको हम क्या लिख सकते हैं ए इंटू वाई लिख सकते हैं इसको बिकॉज दिस इज वॉट दिस इज वाई तो ये बताओ क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर ठीक है इसको हम कहाँ से लिखें इसको आप मान लो देखो तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया था गिवन लेट दिस बी क्वेश्चन नंबर वन तो यहां पे हम जो लिखे हैं ए इन टू तो यहां लिखना फ्रॉम वन ओके अब आगे बढ़ो देखो क्या यहां पे अब हम क्या करेंगे अगेन इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू तो एक्स यहाँ पे आप लिखो अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ओके okay? तो बताओ क्या होगा यहाँ पे एक बार इसको रख नहीं एक बार इसको रखते हैं इसको अपन डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स फिर इसको यहाँ पे रखते हुए इसको अपन डिफ्रेंशिएट करेंगे ये तो वन माइनस एक्स स्क्वायर ये बताओ क्या होगा टू वाई वन इंटू वाई टू हो गया फिर प्लस लिखो यहाँ पे स्क्वायर इट इज लिखो वाई वन स्क्वायर तो ये बताओ तुम्हारा क्या हो जाएगा माइनस टू एक्स ओके ये पता क्या होगा दिस इज ए स्क्वायर यहाँ पे टू वा, वाई स्क्वायर दिया तो दिस विल बी टू इंटू वाई इंटू वाई वन ओके अब देखो इस इक्वेशन में आपका वाई वन देखो कॉमन निकल रहा है और ये देखो आपका टू भी कॉमन निकल रहा है तो यहाँ से टू वाई वन को आप हटा दो पूरा तो दिस विल बी वॉट वन माइनस एक्स स्क्वायेर यहाँ पे इस साइन को लगाना बिकॉज आपके यहाँ के यहाँ पर आपको इक्वल टू दिया हुआ है तो दिस इतना इंटू वाई टू फिर बताओ यहाँ पर तुम्हारा माइनस दिया तो यहाँ पर माइनस लिख लो टू हट गया एक वाई वन हट गया तो दिस इज एक्स इंटू वाई वन तो यहाँ बताओ क्या लिखोगे आप दिस इज ए स्क्वायर ये और ये आपका हट गया तो दिस इज टू वाई अब बताओ हम क्या करेंगे इसको यहाँ पर ले आओगे तो यहाँ पर फिर से साइन को यहाँ पे दो दिस इज वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस एक्स इंटू वाई वन माइनस ए स्क्वायर इंटू वाई इक्वल्स टू ज़ीरो आपका इक्वेशन बन गया ठीक है अब हम क्या करेंगे लेट दिस बी क्वेश्चन नंबर टू अब हम क्या करेंगे लेबनिट्स अप्लाई करेंगे ठीक है देखो लेबनिट्स अपन कैसे अप्लाई करेंगे यहां पे लिखना डिफरेंशिएटिंग डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एन टाइम्स ठीक है बाई यूजिंग लेबनिट्स थ्योरम। What वी गेट देखो यहाँ पे क्या होगा हम लोग यहाँ पे लेबिनिट्स अप्लाई करने वाले हैं आपको पता होगा फॉर्मूला क्या होता है देखो तो मैं क्या होगा यहाँ पे इसको हम क्या मानें? मानेंगे यू मानेंगे इसको क्या मानेंगे V मान लेंगे ठीक है तो देखो यहाँ पे क्या होगा दिस विल बी वाई एन प्लस टू यहाँ आपको टू दिया हुआ है तो जब इसको मैं एन टाइम्स करूंगा तो दिस विल बी वाई एन प्लस टू ठीक है अब देखो क्या होगा तीसरे वाई एन प्लस टू और यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा आ, जो आपको दिया हुआ है क्योंकि फॉर्मूला पता आपको क्या दिया था फॉर्मूला था आपको पता क्या ये देखो फॉर्मूला आपको ये था देखो दिन फॉर्मूला यू एन इंटू वी ठीक है यू एन इंटू वी पहले आप लिखो उसको तो यू एन आपको यहाँ पे आ गया इंटू वी वी मतलब ये आपको जो दिया हुआ है तो उसके ऊपर लिखो वन माइनस एक्स स्क्वायर इसको लिख दिए फिर बताओ क्या होगा एन सी वन तो यहाँ लिखा मैं एन सी वन यहाँ पता क्या होगा यू एन माइनस वन होगा तो दिस विल बी वाई एन प्लस वन इसमें से एक माइनस कर लिया मैं तो ये आपका हो गया यहाँ पता क्या होगा दिस विल बी दिस इज वी तो यहाँ पता क्या होगा तुम्हारा बी वन हो जाएगा बी वन तो दिस इज माइनस टू एक्स ओके फिर इसको अगेन सॉल्व कर दो दिस विल बी एन सी टू ये बताओ क्या होगा आपको ये वाई एन हो जाएगा तो ये बताओ हुआ क्या होगा अगेन इसको डिफ्रेंस करेंगे हम इसको फिर से तो दिस इज माइनस टू तो ये बताओ किसके लिए हो जाएगा ये इसके लिए हो जाएगा वैसे हम क्या करेंगे इसके लिए भी एक बार करेंगे तो इसको आप ब्रेसेस में बंद कर लो अब यहाँ पे लिखो माइनस यहाँ पर देखो आपको क्या दिया है दिस इज एक्स इंटू वाई वन तो इसको हम अब सॉल्व करेंगे तो बताओ तुम्हारा यहाँ पे क्या आएगा दिस इज वाई वन तो दिस विल बी वाई एन प्लस वन अब यहाँ देखो तुम्हें क्या X दिया एक्स दिया हुआ तो इसको आप यहाँ पे एक्स को लिख दो यहाँ पे ठीक है फिर प्लस लिखो यहाँ पे यहाँ पे आ जाओ नीचे बताओ क्या आएगा एन सी वन आएगा यहाँ पे पहले फिर बताओ क्या लिखोगे आप यहाँ पे वाई एन फिर ये बताओ तुम्हारा क्या हो जाएगा दिस विल बी वन अब इसको हम लोग फिर अपनी डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते बिकॉज हमारा क्या ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है इसको भी हम लोग आगे नहीं बढ़ा पाए बिकॉज दिस इज माई कॉन्स्टेंट वैल्यू माइनस टू तो इसको हम जब डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो अगला टर्म तो क्या होगा जीरो हो जाएगा वैसे यहाँ पर हम लोग इसको छोड़ देंगे बिकॉज अगला टर्म क्या होगा इसका जीरो होगा तो इसको क्या कर दो क्लोज कर लो फिर यहाँ पे आ जाओ दिस इज माइनस ए स्क्वायर दिस इज वाई एन बिकॉज इसको जब मैं एन टाइम्स करूंगा तो दिस विल बी वाई एन इक्वल्स टू जीरो ठीक है अब ब्रैकेट्स को ओपन करो देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या है दिस इज हाँ यहाँ पे इस साइन को देना ठीक है तो बताओ तुम्हारा क्या हो जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर दिस इज वाई एन प्लस टू ठीक है अब बताओ ये तुम्हारा क्या हो जाएगा एन सी वन बताओ तुम्हारा क्या रहेगा एन सी वन का मतलब क्या होता है एन टाइम्स ठीक है ये तुम्हारा क्या रहेगा एन टाइम्स आ जाएगा तुम्हारे यहाँ पे तो ये बताओ तुम्हारा मैं क्या रहेगा दिस इज वाई एन प्लस वन ये देखो तुम्हें क्या है माइनस टू एक्स यहाँ पे तुम्हारा ठीक है इसको ओपन करो दिस माइनस तो माइनस टू रख दिया यहाँ पे एन सी टू का मतलब क्या होगा एन इन टू एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू ठीक है अब यहाँ बताओ तुम्हें क्या है वाई एन है यहाँ पे ठीक है इसको हम यहाँ पे लिख दिए वाई एन यहाँ पे लिख दिया तो ये क्या हुआ इसके वैल्यू हो गए वैसे आप यहाँ पे आ जाओ यहाँ बताओ तुम्हें क्या रहेगा दिस इज देखो यहाँ तुम्हें क्या होगा एक्स इन टू वाई एन प्लस वन होगा यहाँ पे फिर प्लस करो यहाँ पे दिस इज वॉट एन सी वन तो एन सी वन का मतलब क्या होगा एन होगा यहाँ पे देखो क्या दिखा तुम्हारा मैं वाई एन लिखा दिस इज वाई एन तो उसका फिर ब्रैकेट में प्लस को दिस इज माइनस ए स्क्वायर वाई एन इक्वल्स टू जीरो ज़ीरो ठीक है अब आगे फिर सॉल्व करो इसको देखो क्या आएगा यहाँ पे आगे ऐसा किए दिस इज वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू वाई एन प्लस टू वाला टर्म क्या है सिंगल है तो उसको मैं यहाँ पे छाप दिया अब देखो आपके पास वाई एन प्लस वन वाले देखो कितना टर्म आपको दिए हुए यहाँ पर यहाँ पर वाई एन प्लस वन लिख दिया यहाँ ब्रैकेट ओपन कर दिया तो देखो यहाँ तुम्हारा क्या है माइनस टू एक्स है और यहाँ देखो तुम्हारा क्या है एन है तो दिस माइनस टू एन एक्स ओके अब देखो यहाँ पे कहाँ पे तुम्हारा दिया हुआ है वाई एन प्लस वन यहाँ पर तुमको दिया हुआ है इसको देखो कोफिशिएंट तुम्हारा क्या है माइनस एक्स है तो दिस इज माइनस एक्स और बताओ कहाँ पर है और कहीं नहीं है तो उसका अब यहाँ पे क्लोज कर लो अब निकालो वाई एन वाले टर्म को देखो कहाँ कहाँ पर है एक यहाँ पे तुमको दिया हुआ है फैक्टोरियल टू का मतलब क्या होता है टू होता है और यहाँ पे तुम्हारा टू दिया हुआ है तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा तो दिस इज़ बताओ तुम्हारा क्या होगा दिस इज़ इस इस इसको मल्टीप्लाई करो दिस इज एन स्क्वायर अच्छा यहाँ तुम्हें माइनस दिया हुआ है तो दिस विल बी माइनस साइन ठीक है दिस इज माइनस साइन तो दिस विल बी माइनस एन स्क्वायर अब यहाँ तुम्हें क्या रहेगा माइनस एन रहेगा यहाँ का माइनस देट देट विल बी प्लस एन ओके अब यहाँ पर देखो माइनस दिया हुआ है और यहाँ पर देखो तुम क्या दिया यहाँ पे एन दिया हुआ है तो दिस इज माइनस एन यहाँ पर देखो तुम क्या दिया यहाँ पे प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो दिस इज माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू ज़ीरो ठीक है फिर तो आगे सॉल्व करो फिर तुम दिस इज वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन देखो यहाँ तुम्हें क्या निकलेगा प्लस वाई एन प्लस वन ठीक है देखो यहाँ तुम्हारा एक्स कॉमन निकलेगा तो यहाँ पे एक्स लिख दो यहाँ पर बाहर लिख दो ठीक है लिख दिए तो दिस इज वॉट माइनस देखो यहाँ पे तुम्हारा माइनस कॉमन निकलेगा फिर ठीक है इसको माइनस कर लो फिर इसको माइनस कर लो माइनस एक्स टाइम्स वाई एन प्लस वन यहाँ देखो तुम्हारा क्या रहेगा टू एन प्लस वन रहेगा ठीक है वैसे बताओ यहाँ पे तुम्हारा क्या रहेगा देखो ये एन ये एन तुम्हारा कैंसिल हो गया तो यहाँ लिख दो वाई एन बैक एंड क्या है तुम्हारा एन स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो ठीक है तो बताओ आगे क्या होगा तुम्हारा इसको सॉल्व कर वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई तो एन सी ये तुम्हारा एन प्लस टू था ध्यान रखना ठीक है गलती से मैं छाप दिया इसको अब बताओ यहाँ पे तुम्हारा क्या आएगा माइनस एक्स इन ये देखो तुम्हारा क्या है टू एन प्लस वन है और यहाँ देखो तुम्हारा क्या आएगा वाई एन प्लस वन आएगा ठीक है वैसे कोई हाथ में माइनस कॉमन निकल जाए तो दिस इज़ माइनस एन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ठीक है एंड दिस इज वाई एन इक्वल्स टू ज़ीरो Hence proved. Thank you.